जंगल में एक दिन चंपा काउवी हरी तोती से बात कर रही थी, तभी उन्हें सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी भरी ताजी सब्जी। ओ सब्जी वाली, जरा इधर तो आना। अभी आती हूँ मैम साहब। हाँ मैम साहब, बोलो क्या दूँ? मेरे पास आलू, बैंगन, भिंडी, सब प्रकार की सब्जियाँ हैं। अच्छा, तो तू मुझे ताजे ताजे बैंगन दिखा। ये देखो मैम साहब, ताजे ताजे बैंगन। बोलो कितने तोल दूँ? ये ताजे तो है ना। कैसी बात करती हो मैम साहब, मेरी सारी सब्जियाँ हरी भरी ताजी है। अगर एक सब्जी भी सड़ी गड़ी निकाल दो तो मैं आज से सब्जी बेचना छोड़ दूंगी। तू बोलती बहुत है सब्जी वाली, तेरे पास लाल टमाटर है तो मुझे भी दिखा, मुझे भी टमाटर लेने हैं। ये लो चाची, लाल लाल टमाटर, जाओ तो खा कर देख लो, ताजा ना निकला तो मेरा नाम टुनटुनी नहीं। चंपा कौवी और हरी तोती अपनी अपनी पसंद की सब्जी खरीदती है। सब्जी वाली पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय चंपा कौवी का बेटा कालू सामने से आ रहा था। अचानक वो सब्जी वाली से टकरा जाता है, जिससे सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। अबे उस सब्जी वाली, अंधी है क्या, देख के नहीं चल सकती? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देखकर तुम नहीं चलते और मुझे अंधी बोल रही हो। मेरे सर पर तो भारी सब्जी का टोकरा था, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरी सब्जी गिराई है। ज्यादा उल्टा सीधा मत बोल, अपनी सब्जी उठा और यहाँ से चलती बन। अरे ओ हीरो, मुझसे ज्यादा हीरोगिरी मत करो, सब्जी तुमने गिराई है, चुपचाप इसे उठाकर मेरे टोकरे में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटुनी है, शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को भी बुला लूंगी। चुपचाप कालू कौवा सारी सब्जी टोकरी में डाल देता है। चंपा बहन, इस सब्जी वाली के सामने तेरे बेटे को गुस्सा धरा तो धरा रह गया। मैं तो कहती हूँ जल्दी से सब्जी वाली को अपनी घर की बहू बना लो, तेरे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। बात तो तूने 100% की कही है, मैं भी अपने बेटे के गुस्से से तंग आ चुकी हूँ। इसके तेवर देखकर लगता है यही मेरे घर की बहू बनने लायक है। अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर चंपा टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। अरे मैम साहब, आप और यहाँ मेरे घर, सब्जी ताजी नहीं थी क्या? लाओ मैं इसे बदल कर दूसरी दे देती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तेरी माँ से अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ, तू बनेगी मेरी बहू, मेरे बेटे से तू कल मिल ही चुकी है। अपनी शादी की बात सुनकर टुनटुनी शर्म से लाल हो जाती है। आप यहाँ बैठो मैम साहब, मैं अपनी माँ को बुलाकर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ को बुलाकर लाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टुनटुनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। जाते समय चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी को शगुन के रूप में 101 रुपए देती है और जल्दी टुनटुनी की शादी कालू कौवी से हो जाती है। वो बहू बनकर चंपा कौवी के घर आ जाती है। टुनटुनी अपने प्यार से अपने गुस्सैल पति को पूरी तरह से बदल देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंपा कौवी बाजार गई थी। जब वो लौटकर घर आ रही थी तभी उसे अपनी बहू की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी भरी ताजी सब्जी। हाय दैया, बहू ये तुम क्या कर रही हो, मेरी नाक कटाओगी क्या? जल्दी घर चलो। माँ जी, अब तो मैं टोकरी में बचे हुए आलू बैंगन को बेच कर ही घर लौटूंगी। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ, सब्जी बेच कर 4 पैसे और आ जाएंगे घर में। अच्छा बहू, तुझे सब्जी ही बेचना है ना, घर चल, कालू से कहकर तेरे लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा दूंगी। सच माँ जी, आप मेरे लिए सब्जी की दुकान खुलवा देंगी, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तू घर चल। किसी तरह चंपा कौवी टुनटुनी को समझा बुझा कर घर ले आती है और उसके लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा देती है। ये ले बहू तेरी सब्जी की दुकान, अब तो जितना मन कर अपनी सब्जी बेच। अपनी सब्जी की दुकान देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सभी साथ में रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया और टुन्नू चुड़ा के घर कई सालों बाद एक चिड़िया का जन्म होता है। दोनों से बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखा। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटा ये टॉफियाँ, मैं आज तेरे लिए बहुत सारी टॉफी लाई हूँ। लाओ माँ, मुझे टॉफी बहुत अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया सारी टॉफी एक साथ खा जाती है। अरे ये क्या भुक्कड़,
तुमने एक ही बार में सारी टॉफी खा ली? थोड़ा रुक रुक कर खाती? चल अब जल्दी से अपने दांतों को साफ कर ले, नहीं तो तेरे दांत खराब हो जाएंगे। नहीं माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अपने दांतों को नहीं साफ करूँगी। नहीं बेटा, टॉफी खाने के बाद ऐसा नहीं करते। जाओ जल्दी से दांत साफ करके आओ। तभी टूनी के साथ बबली कबूतरी वहाँ पर आती है। क्या टूनी चिड़िया, छोड़ो ना, बच्ची तो है, क्यों उसको परेशान कर रही हो? माँ जी, आप देख रही हैं ना, दिन पर दिन इसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। दादी देखो ना, माँ मुझे कितना डांट रही है। टूनी चिड़िया तू जा अपना काम कर, मैं इसे देख रही हूँ। नहीं माँ, इसे तो अभी अपने दांत साफ करने होंगे, आप तो इसे अपनी लाड प्यार में बिगाड़ देंगी। ये तू क्या कह रही है बहू, मैं जरा सी इसकी साइड ले लेती हूँ तो क्या मैं इसे बिगाड़ रही हूँ? माँ जी, आपसे कुछ कहना बेकार है। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की जबरदस्ती दांत साफ करवा देती है। तभी गुस्से में टुनटुनी चिड़िया तेल से भरा डब्बा उठाकर फेंक देती है। अरे कमबख्त, तूने ये क्या किया, पूरा तेल बर्बाद कर दिया। तू दिन पर दिन सिर पर चढ़ती जा रही है, आने दे तेरे पापा को, उनसे ही तेरी शिकायत करूंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो चुकी थी। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजती है। माँ जरा देखो दरवाजे पर कौन है, मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे, 10,000 के है, उन्हें लेकर रख लो और पैसे दे देना, मैं अभी बाथरूम में नहा रही हूँ, मुझे आने में देर होगी। टुनटुनी चिड़िया, तूने कभी ये बताया नहीं कि तूने इतने महंगे कपड़े मंगाए हैं। दिनों दिन तेरे शौक बढ़ते जा रहे हैं, तेरे महंगे महंगे शौक पूरे करते करते हम तो कंगाल हो जाएंगे। माँ मेरी सहेलियां तो सबसे महंगी महंगी ड्रेस पहनती हैं, उनके माँ बाप तो उनसे कुछ नहीं कहते, और एक तुम हो, जरा सा महंगा कपड़ा मंगा लिया तो रोना पीटना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया, अपने पापा की सैलरी भी तो दे, उसी पैसों से मुझे घर भी चलाना है। तभी टुनटुनी चिड़िया नहा कर बाहर आती है। माँ मैं कुछ नहीं जानती, ठीक है मैं जा रही हूँ कपड़े लेने, मुझे 10,000 रुपए दो। कहाँ से दूँ, तेरे पापा ने मुझे लाकर दिए है क्या? तो ठीक है माँ, मैं अपना हार दे रही हूँ और उसी से अपने कपड़े ले लूँगी। तू ऐसा क्यों कर रही है, चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। टुनटुनी हार बेच कर कपड़े ले लेती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया घर आता है, तुम जानते हो आज तुम्हारी बेटी ने क्या किया, अपना हार बेच कर 10,000 के कपड़े खरीदे हैं। मैं तो इस चिड़िया से पूरी तरह से तंग आ गई हूँ, ये सब तुम लोगों के लाड प्यार का नतीजा है। इसने तो अब हद ही कर दी है, सुबह की घर से निकली है लेकिन देखो रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक महारानी जी घर नहीं लौटी। तभी टुनटुनी चिड़िया जंगल के कौवे के साथ घर लौटती है। बाय कालू कौवे, कल फिर मिलेंगे। ये कैसी हरकत है टुनटुनी चिड़िया, और वो कौवा कौन था? आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। पापा वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। और पापा परेशान क्यों हो रहे हैं, आज से पहले तो कभी परेशान नहीं थे। परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ, तूने तो सारे जंगल में मेरी नाक कटवा दी। तुझे उस कालू कौवे के साथ देखकर जंगल के सारे पक्षी तरह तरह की बातें करेंगे और हम पर थू थू करेंगे। अरे पापा ये तो आजकल का फैशन है, कोई कुछ नहीं कहेगा। खैर जा फैशन की बच्ची, तेरा तो मैं फैशन भगाती हूँ, तू चल मैं तुझे आज से एक घोंसले में बंद कर देती हूँ। पापा माँ को रोको ना, वो मुझे घोंसले में बंद करने जा रही है। टुनटुनी चिड़िया ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो आज तुम्हारी माँ कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। माँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बस तू देखती जा मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ, और आप कल से ही एक अच्छा चेहरा देखना शुरू कीजिए, जल्दी इसकी शादी कर देंगे। टूनी चिड़िया टुनटुनी को कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद टूनी चिड़िया गोलू चिड़ा से उसकी शादी तय कर देती है। अब टुनटुनी चिड़िया की शादी गोलू चिड़ा से हो जाती है। शुरू में तो टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, गोलू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा दिखाई देता है। अच्छा मेरे को धोखा देकर टुनटुनी अब इस चिड़े के साथ घूम रही है, इस टुनटुनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा जैसे ही टुनटुनी पर हमला करने वाला होता है, तभी गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को बचा लेता है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा से माफ़ी मांगती है और अपना घमंड करना भी छोड़ देती है। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सलमा चिड़िया की सुंदरवन जंगल में चाय की छोटी सी दुकान थी। पूरा दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से सलमा अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाती थी। सलमा जिस छोटी सी दुकान को चला रही थी वो भी उसने 1200 रुपए किराए पर ले रखी थी। महीने भर में जो भी सलमा कमाती उसमें से 1200 रुपए उसे दुकान
के किराए की निकालने ही पड़ते थे। ऊपर से छोटा सा घोंसला जिसका किराया 1500 रुपए भी उसे महीने की कमाई में से निकालना पड़ता था। सलमा के परिवार में उसका बेटा अब्दुल और बेटी रेशमा थी। वह सिर्फ कमाई गुजारी के लिए बहुत मुश्किल थी। एक दिन सलमा दुकान पर जाने लगी। उसकी बेटी रेशमा बोली, अम्मी कल ईद है, मेरे लिए क्या लाओगी? मुझे नया सलवार कमीज लेना है, बिल्कुल रजिया जैसा। कल रजिया के अब्बा लाए हैं, गुलाबी और नीले रंग का, बहुत सुंदर सलवार कमीज है। मेरे लिए भी लाओगी ना अम्मी? बोलो ना। बढ़िया है सलवार कमीज लेने वाली। अम्मी तो मेरे लिए नया बैट बॉल लाने वाली है, देखना मेरे लिए लाएंगी अम्मी। और कल की ईद भी मुझे ही मिलेगी। बच्चों जाओ बाहर जाकर खेलो, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर सलमा अपनी दुकान के लिए निकल जाती है और दुकान पर बैठे बैठे सलमा अल्लाह से कहती है, या अल्लाह मैं ही शायद अपनी औलादों को भी खुशी नहीं दे पा रही।